नमस्कार किसान साथियों, बात करते हैं लहसुन के भाव को लेकर और लहसुन के निर्यात को लेकर। लहसुन का जो निर्यात है वो कब होगा और किसान साथियों अभी वर्तमान समय में लहसुन का निर्यात कितनी ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, क्योंकि ये तो सही है लहसुन का निर्यात हो रहा है लेकिन कितना हो रहा है। क्योंकि अगर भाव की बात करें तो मीडियम भाव देखने को मिल रहे, ना ही ज़्यादा तेज़ी और ना ही ज़्यादा नरमी भरे माहौल देखने को मिल रहे हैं लहसुन को लेकर। किसान साथियों अभी वर्तमान समय में जो रेट है इससे आने वाले समय में हल्का सा इजाफा हो सकता है, मतलब हल्की सी तेज़ी आने की ज़्यादा चांस नजर आ रहे हैं। लेकिन किसान साथियों फिर भी आप आपकी फसल है, आप अपने निर्णय खुद के विवेक से ही लें तो अच्छा होगा किसान साथियों, क्योंकि आपको फसल बेचनी है। और किसान साथियों अगर बात करें निर्यात की तो निर्यात अभी की अपेक्षा आने वाले समय में हल्की सी ज्यादा मात्रा में हो सकता है, निर्यात पर हल्का सा ना हल्का जो असर डाला जा सकता है, मतलब ज्यादा निर्यात हो सकता है। तो अगर ज्यादा निर्यात हुआ तो हल्की सी तेजी आने की फुल संभावना बनती हुई नजर आ सकती है किसान साथियों। तो ऐसे में किसान साथियों अभी जो भाव है वो हल्के से मीडियम साइज के देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अच्छी खासी पकड़ भी देखने को मिल सकती है और क्या पता कि सांसद यही भाव भी देखने को मिल सकता है। फिर भी आप अपनी फसल का जो निर्णय है वो अपने ही अनुसार और अपने खुद के विवेक के अनुसार किसान साथियों ले तो आपकी अच्छी फसल बिक सकती है। किसान साथियों अब बात करते हैं ग्रामोदय ऐप की। इस पर आढ़ती अपना मंडी भाव डालते हैं और अगर आप एक किसान या व्यापारी हैं तो आपको इस ऐप पर सटीक मंडी भाव मिलेगा और आप देश भर के किसान व्यापारी आढ़ती और आप खरीदार से भी सीधे जुड़ सकते हैं। और किसान साथियों आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें फ्री में ग्रामोदय ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है।